हेलो एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं नितिन पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज शाम को 6 बजे। उम्मीद करते हैं कि आप से सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे, मंगल एकदम से बिल्कुल शानदार अपनी लाइफ को जी रहे होंगे और आशा है कि आप लोग क्वेश्चंस बहुत ही शानदार तरीके से आज यहां पर ढंग से सॉल्व करेंगे। आज हम बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस यहां पर समझ आएंगे और बेहतर से बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग यहां पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयार हो चुके होंगे पेन और कॉपी लेकर। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें और जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें हमारे इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यानी लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम वाले चैनल को। तो लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम वाले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्लास का प्रॉपर मिलता रहेगा, तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहां पर हम जुड़े हुए हैं क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी विद इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहां पर अगर हम बात करें तो हर रविवार को ये टेस्ट लिया जाता है, दोपहर 1 बजे टेस्ट का टाइम होता है, शाम को 7 बजे इसका एनालिसिस होता है। यहां पर कुछ प्राइज रखे हुए हैं, डेफिनेटली अगर हम बात करें तो रैंक 1 जो लाता है उसको फ्री 1 ईयर का पेड सब्सक्रिप्शन मिलता है। जैसे कि आपको पता है कि पेड सब्सक्रिप्शन 7000 का है और पेड सब्सक्रिप्शन ये आपके लिए फ्री हो जाता है रैंक 1 लाने वाले को। रैंक 2 अगर लाते हैं तो 75% का स्कॉलरशिप पेड सब्सक्रिप्शन यानी 75% का डिस्काउंट मिल जाता है। रैंक 3 जो लेके आता है उसको डिस्काउंट मिलता है 50% का और रैंक 4 से 10 लाने वाले को 25% का डिस्काउंट मिलता है। तो उम्मीद करते हैं इस सेशन में आप लोग जरूर जुड़ेंगे। प्लस के फीचर्स अगर हम बात करें तो प्लस के फीचर्स क्या है, लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर्स, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो सिलेबस जो एकदम आपका होगा बिल्कुल बहुत ही शानदार लेवल से बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चंस होंगे, कवर होंगे, फ्री टेस्ट सीरीज होगी, फ्री मॉक टेस्ट होगा। साथ ही साथ आप यहां पर जुड़ सकते हैं हमारे बैच कोर्स में जो अभी कि स्टार्ट हुआ है। ये कोर्स आपका 31 मार्च से चलेगा, 30 जनवरी तक चलेगा। ये सारी फैकल्टीज यहाँ पर पढ़ाएंगी। ये लक्ष्य यूपीपीएससी यानी अपर सब ऑर्डिनेट बैच के लिए यहाँ पर ये बैच अनाउंस हुआ है। इसके साथ अगर हम बात करें तो लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 12 मंथ का प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच कोर्स है, तो 12 महीने का बहुत ही शानदार बैच ही निकाला है लोगों ने और ये सारी फैकल्टी यहाँ पर आपको टीच करेंगी। जैसे कि यहाँ पर फास्ट ट्रैक की बात करें, कोई पहले पढ़ चुका है और फास्ट ट्रैक में रिवीजन करना चाहता है तो इसके लिए 60 डेज यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस 2021 बैच, ये सारी फैकल्टी यहाँ पर आपको टीच करने वाली है। आगे अगर हम बात करें तो फास्ट ट्रैक रिवीजन 60 डेज यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 सीसेट बैच होगा, यहाँ पर ये सारी फैकल्टीज आपको यहाँ पर टीच करेंगी। स्टार्टिंग डेट है 2 अप्रैल, एंड डेट है 30 मई। यहाँ पर आगे बात करें तो आ जाता है पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से तैयार हो जाइएगा सभी लोग और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ये बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। यदि रिचार्ड को WXRSIZI के रूप में कोडित किया गया फिर विकेट्स को कैसे कोड किया जाएगा। बहुत ही शानदार अनोखा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा जल्दी से सभी भाई कमेंट करें और बताएं मुझे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। यहां पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे यहां पर लिखा गया है रिचार्ड आर आई सी एच ए आर डी, ठीक है, कोडिंग किया गया है W फिर X R S I Z I। अब ये कोड कैसे किया गया है ये आपको देखना पड़ेगा। अगर हम लोग यहां पर कोडिंग को चेक करें WXRSIZI, यहां पर एक चीज तो कंफर्म दिख रही है कि ये H का अपोजिट S, H का अपोजिट क्या हो गया S, लेकिन अगर हम साथ ही साथ बात करें तो यहां पर आपका C का अपोजिट दिख रहा है X और I का अपोजिट दिख रहा है R। यहां पर अगर देखें तो R का अपोजिट I
और ए का अपोजिट जेड, और ये दोनों आपस में क्या हुए हैं, ये दोनों आपस में यहां पर इंटरचेंज हुए हैं। डी का अपोजिट डब्ल्यू ये आ गया और आर का अपोजिट आई ये यहां पहुंच गया। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हुए हैं, फर्स्ट एंड लास्ट आपस में इंटरचेंज हुए हैं। सी का अपोजिट एक्स, आई का अपोजिट आर, एच का अपोजिट एस, आर का आई, ए का जेड, और डी और आर आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज। ऐसे हम निकालेंगे विकेट्स का, किसका कोड निकालेंगे हम लोग, विकेट्स का। अगर विकेट्स का कोड करेंगे, सबसे पहले इधर का कोड इधर आएगा, एस का कोडिंग आएगा एच, एस का कोडिंग क्या होगा एच, स्टार्टिंग एच से होगी। अब स्टार्टिंग एच से होगी तो एक ही ऑप्शन है, कहानी खत्म हो गई, कुछ करना ही नहीं है, टाइम आपको देना ही नहीं है आगे। यहाँ पर अगर आगे देखते तो आपका ये अपोजिट यहाँ पर आता और ये अपोजिट यहाँ जाता, तो सी का अपोजिट एक्स, आई का अपोजिट आर, के का अपोजिट बीच में होता पी, के का अपोजिट बीच में होता पी, फिर इधर टी का अपोजिट इधर आता जी, और ई का अपोजिट इधर आता वी, और डब्ल्यू का अपोजिट इधर जाता डी। तो राइट आंसर क्या बनता है, एच एक्स आर पी जी वी डी, एच एक्स आर पी जी वी डी, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सीरीज में ये दिया है आपको चार, चार के बाद दिया है अठारह, अठारह के बाद दिया है पिचासी, पिचासी के बाद दिया है 336, पिचासी के बाद क्या दिया है 336, 336 के बाद दिया है 1005। अब आपको बताना है कि आगे क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गलती मत कर देना, 4, 18, 85, 336। सीरीज में कुछ ये लग रहा है कि अगर हम लोग यहां पर 4 से 18 का रीजन ढूंढें तो 4 गुणा 4 प्लस 2 भी हो सकता है, 4 गुणा 5 माइनस 2 भी हो सकता है, 4 गुणा 6 माइनस 6 भी हो सकता है, लेकिन 18 से 85 में 18 पंजे 90 और माइनस 5 85, यहां से ये लॉजिक समझ आ जाएगा कि ये जो 18 है, 18 से 85 जाने के लिए गुणा 5, 18 से 85 जाने के लिए गुणा 5, 18 पंजे कितना होता है 90 और माइनस करेंगे 5 तो कितना मिल जाएगा 85, ठीक है। 85 से 336 जाने के लिए 8 चौक 32 और 5 चौक 20, यानी कि 340, 85 गुणा 4 करेंगे 340 और माइनस 4 करेंगे 336, तो यहाँ गुणा 4 माइनस 4, यहाँ गुणा 5 माइनस 5, तो यहाँ पर फिर होना चाहिए था गुणा 6 और माइनस 6, 4 गुणा 6, 4 छिंग 24, माइनस 6 18, गुणा 5 माइनस 5, गुणा 4 माइनस 4, तो यहाँ पर होना चाहिए गुणा 3 और माइनस 3। अगर गुणा 3 माइनस 3 करेंगे तो डेफिनेटली आपका यहां पर 1005 आ जाएगा। 336 गुणा 3 कितना होता है 1008, माइनस 3 करेंगे 1005। अब क्या करना है, गुणा 2 और माइनस 2, जैसे 1005 में गुणा 2 करेंगे और माइनस 2 करेंगे, 1005 गुणा 2 होता है 2010, कितना होता है 2010 और माइनस 2 करेंगे तो यहां पर राइट आंसर क्या आना चाहिए 2008, 2008 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन आपको जरूर थोड़ा घुमाएगा और इस क्वेश्चन में डेफिनेटली मजा भी बहुत आएगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रेनु ने कहा, वह मेरी मां की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी के बेटे की बेटी है। रेनु उस महिला से कैसे संबंधित है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार मजा आने वाला है।
क्वेश्चन ये कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रेनू ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी के बेटे की बेटी है। रेनू उस महिला से कैसे संबंधित है? एकदम कहते हैं ना, जिसको दिमाग एकदम चकरा जाना, ऐसा क्वेश्चन दिया है। देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो डेफिनेटली बहुत शानदार तरीके से आसानी से कर लोगे। रेनू ने कहा, महिला की ओर इशारा करते हुए रेनू ने कहा, क्या कहा? वह मेरी माँ की माँ। अब सिंपल सी बात है, अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर कहानी खत्म करते हैं। कह रहा है कि यहां पर कि मेरी माँ की माँ, तो कौन हो जाएगी? नानी की इकलौती बेटी। नानी की इकलौती बेटी कौन होगी? नानी की इकलौती बेटी होगी माँ। भाई नानी है और नानी की इकलौती बेटी कौन हो गई? माँ हो गई। माँ पर आ गए हम लोग यहां पर, की इकलौती बेटी। अब माँ की इकलौती बेटी की बात करें तो रेनू खुद हो जाएगी। माँ की इकलौती बेटी अगर होगी तो वो यहां पर क्या हो जाएगी? खुद हो जाएगी। के बेटे यानी उसका बेटा हो जाएगा, उसका बेटा मतलब पुत्र। की बेटी, पुत्र की बेटी कौन होगी? पोती। पुत्र की बेटी कौन होगी? पोती। तो रेनू जो है उस महिला से कैसे संबंधित है ये बताना है। रेनू उस महिला से कैसे संबंधित है? तो अगर वो पोती होगी तो रेनू कौन होगी उसकी? यानी कि क्वेश्चन ने क्या कहा है, रेनू उस महिला से कैसे संबंधित है? तो डेफिनेटली अगर हम बात करें कि रेनू उस महिला से कैसे संबंधित है, तो अब रेनू कौन होगी ये आपको बताना होगा। अब देखो, रेनू जो है उस महिला की क्या हो जाएगी? अगर वो उसकी क्या होगी? पोती। तो डेफिनेटली रेनू क्या होगी? उसकी ग्रैंड मदर होगी। क्या होगी बेटा? ग्रैंड मदर होगी। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर। फिर समझिएगा, अगर समझ नहीं आया तो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह मेरी माँ की माँ, मेरी माँ की माँ कौन हो गई? नानी। नानी की इकलौती बेटी यानी कि मेरी माँ, नानी की इकलौती बेटी कौन होगी? मेरी माँ। की इकलौती बेटी यानी रेनू खुद। के बेटे मतलब उसका बेटा पुत्र। की बेटी है, पुत्र की बेटी कौन हो जाएगी? पोती हो जाएगी। यानी वो क्या हो जाएगी? महिला उसकी पोती हो जाएगी। तो रेनू जो है उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? रेनू जो है उस महिला की ग्रैंड मदर लगेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, पैलेंटोलॉजी फॉसिल्स से रिलेटेड है तो पैथोलॉजी किससे रिलेटेड होगा? जल्दी से कमेंट करिए फास्ट। यहां पर आपको बताना है कि पैलेंटोलॉजी फॉसिल से रिलेटेड है तो पैथोलॉजी जो होगी वो किससे रिलेटेड होगी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और इजी भी है। शानदार के साथ साथ क्या है? इजी भी है। आप देखेंगे यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर एल्गी, डाइट, डिसीज, इंसेक्ट्स। आपको पता है पैलेंटोलॉजी में हम लोग फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो पैथोलॉजी में हम लोग क्या किसका अध्ययन करते हैं? डिसीज का। किसका अध्ययन करते हैं? डिसीज का। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डिसीज, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है 3-5-2-1 का रिलेशन है 3 के साथ, तो 21-19 का रिलेशन किसके साथ होगा? यहां पर कह रहा है कि 3-5-2-1 का रिलेशन दिया है आपको, 3 के साथ दिया है। अब 4 नंबर से अगर एक बड़ा नंबर बना है तो उसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है? इसके पीछे लॉजिक हो सकता है कि या तो इनमें आपस में मल्टीप्लाई हुआ हो, है ना, या फिर क्या हुआ हो? एडिशन हुआ हो। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर क्या पॉसिबल है? अगर हम एडिशन करके देखते हैं, सबसे पहला पहला काम 3, 5, 2 और 1। 3 और 5 कितना होता है? 8। 8 और 2 कितना होता है? 10। 10 और 1 कितना होता है? 11। 11 से 3 बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 और 1 आपस में ऐड करोगे 2 होगा, तो 3 बनाना पॉसिबल है नहीं। फिर 1 बाहर से नंबर लाओगे तो ये लॉजिक कोई बहुत मजबूत दिख नहीं रहा है। अगर हम यहां पर गुणा करें, 3×5×2×1, 3×5=15, 15×2 हो जाता है 30 और 30×1=30। अगर हम 30 में 3 और 0 आपस में ऐड कर दें
तीन और जीरो आपस में ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, तीन। ऐसे ही आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली 2119 क्या बनेगा, 2 × 1 × 1 × 9, 2 × 1 = 2, फिर 1 × 2 और 2 × 9 = 18, तो यहां पर बनेगा 18, 18 में 8 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा इसका आंसर, 9। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, 9, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये आ गया है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कह रहा है कि अविवाहितों को किस संख्या में स्नातक का प्रतिनिधित्व किया जाता है। ग्रेजुएट जो है वो आपके स्क्वायर में है, पैलेस प्लेस्ड में, प्लेस्ड में अगर बात करें तो आपका हेक्सागन है, सर्कल में जो है मैरिड है, तो आपको ये बताना है कि अविवाहितों की किस संख्या में स्नातक का प्रतिनिधित्व किया जाता है। अविवाहित यानी कि अनमैरिड, और ये ध्यान रखना है कि सर्कल जो है वो मैरिड है, सर्कल जो है मैरिड है, तो इसीलिए आप सर्कल को नहीं ले सकते। सर्कल को छोड़कर आपको ये देखना है कि अविवाहितों को किस संख्या में स्नातक का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो सिर्फ आपका एक नंबर दिख रहा है, जो कि नंबर दिख रहा है 7, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका ग्रेजुएट है और प्लेस्ड है, यानी कि राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा, 7, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे अब इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में आपका हाँ इंग्लिश हिंदी दोनों दिया हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर किसी को इंग्लिश देखना है, इंग्लिश से सॉल्व करना है तो इसको कर सकता है, नहीं तो हिंदी पे आ जाते हैं, हिंदी पे क्वेश्चन आपको ये दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 समान वजन के पोल का कुल वजन क्या होगा, 10 समान वजन के पोल का कुल वजन क्या होगा। डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लेंगे। प्रत्येक पोल के वजन का 1/4 भाग 5 किलो है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि 10 समान वजन के पोल का कुल वजन क्या होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें कि 10 समान वजन के पोल का कुल वजन क्या होगा, तो सिंपल सी बात यह है, सिंपल सी बात यह बन जाती है कि प्रत्येक पोल के वजन का 1/4 भाग 5 किलो है। अगर 1/4 भाग 5 किलो है, यानी कि 1/4 जो है, 1/4 का मतलब क्या है, इक्वल टू 5, तो यानी कि 1 का मतलब क्या होगा, यानी 5 × 4, 1 का मतलब क्या होगा, 5 × 4, यानी कि वजन कितना हो जाएगा, 20 किलो। वजन कितना हो जाएगा, 20 किलो वजन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 किलो। तो प्रत्येक वजन पोल के वजन का 1/4 भाग क्या होगा, 5 किलो होगा। तो यहां पर हमें ये पता चल जाएगा कि 20 किलो वजन होगा इस पोल का, ठीक है। और क्वेश्चन ये दिया है 10 समान वजन के पोल का कुल वजन क्या होगा, ये ध्यान रखना है कि सभी का वजन क्या है, समान है। दूसरा, पहले से कंफर्म हो गया, दूसरा, 3 ध्रुवों का कुल वजन 2 ध्रुवों के कुल वजन से 20 किलोग्राम अधिक है। इसका मतलब यह है कि तीसरा जो थर्ड वाला जो पोल है वो उन दोनों के वजन से 20 किलोग्राम क्या है, 20 किलोग्राम अधिक है। थर्ड पोल 20 किलोग्राम क्या है, अधिक है। तो इसका मतलब है कि ये पोल कितने किलोग्राम का हो गया, 20 किलोग्राम का हो गया। तीसरा जो पोल है वो कितने का हो गया, 20 किलोग्राम का, क्योंकि क्वेश्चन ने ये कहा है कि वो दो पोल के कुल वजन से 20 किलोग्राम अधिक है। तो इसका मतलब है कि तीसरा पोल जो आया होगा वो 20 किलो का होगा, और सभी का वजन क्या है, सभी का वजन जो है वो समान है। सभी का वजन क्या है, समान है। अब सभी का वजन समान है तो अगर इसका 20 होगा तो बाकी सबका भी 20 होगा, दोनों से ही कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आ जाएगा, या तो पहले से आंसर दे सकते हैं या फिर हम दूसरे से दे सकते हैं, दोनों इन्फॉर्मेशन को देने की जरूरत नहीं थी। दैट मीन्स ये कंफर्म हो जाता है कि आपका आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। यहाँ पर पहले से भी आंसर आ जाता है और दूसरे से भी आंसर आ जाता है। इसको ट्राई करिए, बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है।
यदि ग्रेटर का अर्थ माइनस, ग्रेटर का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ, ग्रेटर का अर्थ माइनस, लेस देन का अर्थ प्लस, स्टार का मतलब गुणा, और हैशटैग का अर्थ डिवाइड यानी विभाजित, तो मान क्या होगा? ये मान निकालना है। जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ग्रेटर का अर्थ माइनस, ग्रेटर का अर्थ क्या है? माइनस। यहां पर सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। इक्वेशन आपको दी गई है 30 लेस देन, लेस देन का मतलब क्या है? प्लस। 125 हैशटैग, हैशटैग का मतलब है विभाजित करना, डिवाइड, कितना हो जाएगा? 25। स्टार, स्टार का मतलब है गुणा, और ग्रेटर का अर्थ है माइनस। सॉल्व करें इसको, क्या आएगा? सबसे पहले ये 125 को 25 से काटा, 5 गुणा 20 माइनस 80 और प्लस 30 आ गया, तो 30 प्लस 20 पंजे 100 माइनस 80, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बढ़िया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ लीजिएगा। अपने प्राकृतिक अनुक्रम में जंबल्ड अक्षरों को फिर से व्यवस्थित करें और विषम को खोजें। सबसे पहले क्या करना है कि जो आपको वर्ड दिए हैं ये जंबल्ड हुए हैं, तो पहले तो इनको मीनिंगफुल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, देन बताना है कि विषम क्या होगा, ऑड वन क्या होगा। जल्दी से बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आई होप सो कि आज जो क्लास हमारी चल रही है ओबीएस पे, दिस इज द लास्ट क्लास, या फिर मोस्ट प्रोबेबली एक याद क्लास और हो सकती है जो मैं आपको यहाँ पर इस ओबीएस के थ्रू दे रहा हूँ। बाकी स्टूडियो सेटअप लगभग फाइनल है, काम चल रहा है आज रात तक या फिर कल सुबह तक। एनी हाउ हर हालत में स्टूडियो कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल से बड़ी स्क्रीन पर ही क्लास आपकी होगी, तो बिल्कुल भी अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? देखो यहां पर अगर हम बात करें इससे वर्ड क्या बन रहा है, इससे वर्ड बन रहा है आपका 11, ELEVEN, 11 बन गया। इससे क्या बनेगा? 15, बिल्कुल, इससे बनेगा 15। ठीक है, इसके बाद इससे बनेगा आपका 12, और इससे क्या बनेगा? पेंसिल। तो ये 11, 12 और 15 ये सारी काउंटिंग है, बट पेंसिल क्या है? स्टेशनरी का पार्ट है। तो अब आपको पता है कि इसका सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि
सामने जब सिस्टम के बैठता हूँ तो आँखों पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कंसंट्रेशन आपके लगातार स्क्रीन पे रखना पड़ता है और सीधी रेज आँखों पर इफेक्ट डालती हैं, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम थोड़ी सी और ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन पूरा रखना पड़ता है स्क्रीन पर। बाकी डिजिटल बोर्ड जब आता है तो आपके साथ में भी मतलब थोड़ा सा मूवमेंट रहती है, आपके साथ भी थोड़ा इंट्रैक्शन रहता है और साथ ही साथ वहाँ पर क्लास में बोर्ड पे भी रहता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिस्टम पर हमें चलना पड़ रहा है तो इसीलिए आँखों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे और चलेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप सो कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्वेश्चंस बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, गलत क्वेश्चंस मत करना क्योंकि एक गलती आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखो, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो क्या कह रहा है कि सम कार आर ट्री, सम कार आर ट्री, ठीक है, ऑल ट्री आर ट्रक, फिर कह रहा है ऑल ट्रक आर टायर। कंक्लूजन क्या है? कुछ टायर ट्रक हैं, कुछ टायर ट्रक हैं, बिल्कुल ट्रक टायर के अंदर है तो कुछ टायर ट्रक होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सभी पेड़ टायर हैं, ट्री देखो ट्रक के अंदर है और ट्रक किसके अंदर है? टायर के अंदर है, तो डेफिनेटली ट्री ट्रक और टायर दोनों के अंदर होगा, तो सभी पेड़ क्या है? टायर हैं, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? दोनों कंक्लूजन आपके सही होंगे, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो, कितने हैं? ऐसे क्वेश्चन में दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस और दो बारह। जब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 12 हैं तो 12 एलिमेंट की पॉसिबिलिटी क्या होती है? या तो 3 से डिवाइड हो सकता है, जैसे कि यहां पर ये दिया है B, B डैश C, फिर B डैश C डैश B, फिर तीन बार डैश और फिर दिया है सी, ठीक है। अब चेक करो, इसको यहां से हमने ब्रेक किया, मिडिल लेटर इसमें क्या है? बी। अगर मिडिल इसमें भी देखो, इसमें लास्ट क्या है? सी। इसमें लास्ट क्या है? सी। इसमें लास्ट लेटर क्या है? सी। तो इसमें भी लास्ट लेटर क्या आ जाएगा? सी, ठीक है। बी सी, मिडिल लेटर बी है, मिडिल बी फिल किया, मिडिल यहां पर भी बी फिल किया, तो क्या बन गया? बी बी सी, बी बी सी, और यहां पर भी बन जाएगा बी बी सी। तो आंसर क्या होगा आपका यहां पर? बी 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 सी डबल बी, ट्रिपल बी सी डबल बी, ट्रिपल बी सी डबल बी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसको ट्राई करो। कह रहा है कि यहां पर मिल्क, मिल्क का कोड क्या होगा? अब मिल्क का अगर कोड आपको निकालना है तो मिल्क का कोड निकालने के लिए मिल्क इज वेरी टेस्टी, टा ला जा सा, टी इज ब्लैक, हा जा का, स्वीट मिल्क एंड टी, व्हाट इज द कोड फॉर मिल्क।
अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिल्क कॉमन देखना है, मिल्क आपका फर्स्ट में कॉमन है और मिल्क कहां पर कॉमन है, थर्ड में कॉमन है। लेकिन इसके अलावा स्वीट एंड टी क्या फर्स्ट में था, नहीं था। तो फर्स्ट और लास्ट में अगर आप यहां पर देखेंगे, फर्स्ट और लास्ट में यहां पर मिल्क क्या है, यहां पर मिल्क आपका कॉमन है, यहां पर भी मिल्क क्या है, मिल्क यहां पर भी क्या है, कॉमन है। यहां पर टा है, टा यहां पर नहीं है, ला यहां पर है, ला नहीं है, जा यहां पर है, जा यहां पर नहीं है, सा सा मिल रहा है कॉमन। सा मिल रहा है आपको कॉमन। अब सा अगर कॉमन मिल रहा है तो यहां पर भी सा मिल रहा है आपको कॉमन, तो यहां से कंफर्म हो जाएगा कि मिल की कोडिंग क्या होगी, सा। आपको देखना क्या है कि दोनों के अंदर कॉमन क्या है। जब दोनों के अंदर देखा कि मिल्क आपका दोनों जगह कॉमन है, यहां पर दोनों में देखा कि यहां पर दोनों में सा कॉमन है, तो जब दोनों में सा कॉमन है तो कंफर्म हो जाएगा कि कोड क्या होगा इसका, सा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जहां पर ये पूछा कि ब्लैक और टी की कोडिंग क्या होगी। अब ब्लैक टी की कोडिंग निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा काम है, क्या कि अगर आपको ब्लैक और टी की कोडिंग निकालनी है तो सबसे पहले इज को क्या करेंगे, यहां से एलिमिनेट। इज को क्या करेंगे, यहां से एलिमिनेट करेंगे। अब देखो इज यहां पर है और इज आपका फर्स्ट लाइन में है, इज आपका क्या है, फर्स्ट लाइन में है। टी और ब्लैक में कोई भी आपका फर्स्ट लाइन में नहीं है, ठीक है। तो इज आपका दोनों में कॉमन है, यहां पर देखो टा नहीं है कॉमन, ला नहीं है कॉमन, जा कॉमन है। तो इसका मतलब है कि यहां से कंफर्म हो जाएगा कि जा कोडिंग किसकी होगी, जा कोडिंग हो जाएगी इसकी। जा दोनों में कॉमन निकल आया, जा दब दोनों में कॉमन निकल आया तो कंफर्म हो गया कि जा कोडिंग किसकी होगी, इसकी। तो बचा क्या आपका, बचा है आपका हा और क्या बचा आपका, का। तो यानी कंफर्म हो जाएगा कि हा और का, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। जरूरी नहीं कि हा और का सीक्वेंस में ऐसे ही लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें यहाँ पर टी और ब्लैक की कोडिंग चाहिए थी, यानी कि हा और का, यानी कि ये दो वर्ड होने चाहिए थे। तो हा और का भी हो सकता था, का या हा भी हो सकता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को संपाती होंगी। संपाती ये जटायु वाला भाई नहीं है, संपाती जो है जटायु का भाई नहीं है। संपाती का मतलब होता है कोइंसाइड, क्या कहते हैं, कोइंसाइड। यहां पर अगर हम बात करें दोपहर 10 बजे से 2 बजे तक, यहां पर एक काम करें, 2 बजे की जगह इसको 3 बजे कर लें, कितना कर लेंगे हम लोग, 3 बजे का समय कर लेंगे। यहां पर भी कितना कर लेंगे, 3 बजे। अब बताओ, अब देखो जब 10 बजता है तो 10 से 3 के बीच में कितने घंटे होते हैं, 10 से बीच में आप देखोगे 10 से बीच के बीच में 10 और 11 आएगा, फिर आपका 12 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 3, कितने घंटे हैं, 5 घंटे। कोइंसाइड का मतलब होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री एक घंटे में कितने बार बनता है, एक घंटे में बनता है एक बार, कितने बार, एक घंटे में बनता है एक बार, कितने बार बनता है, एक घंटे में एक बार बनता है। लेकिन 12 घंटे में कितने बार बनता है, तो आपको पता है कि 12 घंटे में ये बनता है आपका 11 बार। 12 घंटे में कितने बार बनता है, 11 बार। एक बार कम हो जाता है, यानी कि 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच सिर्फ एक बार बनता है, कितने बार बनता है, सिर्फ एक बार बनता है, यानी कि 12 बजे बनता है सिर्फ एक बार। तो
तो 11 से 1 के बीच में अगर देखोगे तो 11 से 12 के बीच में भी 12 बजे बनेगा और 12 से 1 के बीच में भी 12 बजे ही बनेगा। तो 11 से 1 के बीच का समय ऐसा होता है जब 0 डिग्री सिर्फ एक बार बनता है। तो इन 5 घंटे में 5 बार बनना चाहिए था, बट ये समय ऐसा था, 11 से 1 के बीच का समय ऐसा था जब यहां पर सिर्फ एक बार बना। 10 से 11 के बीच में एक बार बना होगा, यानी कि इस ड्यूरेशन में आपका कितना बना होगा, एक बार, और यहां से यहां के ड्यूरेशन में और यहां से यहां के ड्यूरेशन में भी कितने बार बना होगा, एक बार सिर्फ 12 बजे, फिर यहां से यहां के ड्यूरेशन में एक बार और यहां से यहां के ड्यूरेशन में भी सिर्फ एक बार। ये कंफर्म हो गया, ये एक बार, ये एक बार, तो ये कंफर्म हो गया, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ कितने बार बन रहा है आपका, 4 बार। तो यानी कि राइट आंसर क्या होगा, 4 टाइम्स। 10 से 11 के बीच में एक बार बना, 11 से 1 के बीच में एक बार बना, 1 से 2 के बीच में एक बार बना और 2 से 3 के बीच में एक बार बना। तो इसका मतलब है कितने बार बना, 4 बार। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो अब आपके पास जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क में, क्योंकि आज अब मुझे थोड़ा सा काम अभी करना है अभी, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग होमवर्क में मुझे सॉल्व करके बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे आप लोग होमवर्क में और मुझे इसका आंसर आप लोग होमवर्क में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी आप लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर मिलेंगे मेरे साथ। तो क्वेश्चन अभी और भी थे बट टाइम हमारे पास अभी नहीं था। इस कोड को आप लोग यूज़ करेंगे, हमारा कोड जो है, कोई भी कोर्स अगर परचेज करते हैं तो कोड NITI10, इस कोड को लगाना मत भूलेगा। ये कोड लगाने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम आप लोग कोशिश करिएगा, 12 महीने या 24 महीने के कोर्स पे जाएंगे, 7000 का जो फीस है ये सिर्फ 6300 पड़ेगा पूरे साल का, 8400 जो फीस है ये पड़ेगा 7560, पूरा 10% का डिस्काउंट है। एक साल के अंदर या दो साल के अंदर जितने भी एजुकेटर्स होंगे, जितने भी एग्जाम होंगे, सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं यहाँ पर। बार बार फीस देने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, एक बार फीस देने के बाद पूरे साल पढ़ सकते हैं इसी कोर्स के अंदर। जितने भी टीचर उस कैटेगरी के अंदर हैं किसी से भी पढ़ सकते हैं, कोई बाउंडेशंस नहीं होगी। स्पेशल क्लास यहाँ पर आपको प्लस फीचर्स में आपको स्पेशल क्लास में मिलेंगी, वो भी सारा चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये कोर्स परचेज करेंगे तो NITI10 ये कोड लगाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रीजनिंग विद नितिन पांडे आपके अपने इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।